साथियों, आप सभी ने देखा कि कैसे भाजपा ने नितिन संदेसरा को, ललित मोदी को, विजय माल्या को, मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को, सबको भगा दिया। और पकड़ा किसको, जेल में किसको डाला, मनीष सिसोदिया जी को, जिन्होंने देश में शिक्षा क्रांति करी, जिनके स्कूल देखने के लिए मोदी सरकार ने मिलेनियम ट्रंप को दिल्ली ही भेजा, सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया, जिन्होंने देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल किया दिया, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करके दिखाई दिल्ली की जनता की, जिनको यहाँ पे चिट्ठी लिखी लगी हुई है कोफी आनंद जी की, उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को बहुत प्रशंसा की, हम सबको पता है। भाजपा ने मेहुल चौकसी को भगा दिया और अरेस्ट किसको किया, संजय सिंह जी को, जो लगातार रेड़ी पटड़ी वालों की आवाज उठाते हैं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबर। 30 अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि मनोज तिवारी लगातार बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने का प्लान है। बार बार अभी मैं थोड़ी देर पहले संबित पात्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी। ये वही संबित पात्रा जी हैं जो पहले बताए थे कि मनीष सिसोदिया जी ने करीब 150 फोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए। आपको याद होगा करीब 1-1.5 साल पहले इन्होंने ये भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना शुरू किया था, बदनाम करना शुरू किया था आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया जी को, कि 150 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए, जो बात आज हम सबको पता है कि कोर्ट में ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया। आज संबित पात्रा जी बार बार एक ही सवाल पूछे कि अगर निर्दोष है तो बेल क्यों नहीं मिली। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ब्रिजभूषण क्यों बाहर है और मनीष सिसोदिया जी क्यों अंदर है, पर बार बार ये पूछा कि बेल क्यों नहीं मिली। तो इसमें दो पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के, जो जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आई और जिससे हमें बेल ग्रांट नहीं हुई, आप सभी साथियों से गुजारिश है कि पैरा 10 उस जजमेंट का और पैरा 15 उस जजमेंट का जरूर पढ़िएगा, जिसमें लिखा है कि जहां तक अप्रूवर से कोई भी पैसा मिलने की मनीष सिसोदिया जी को बात है, वो बात सिरे से गलत है। पैरा 15 में लिखा है कि 100 करोड़ का कोई किकबैक हुआ, ऐसा कोई भी एलिगेशन मनीष सिसोदिया जी पर नहीं है, और ये भी लिखा है कि ये आर्ग्यू भी नहीं किया गया। फिर वो जेल में क्यों है? साथियों, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पीएमएलए की एक प्रोविजन है जो कहती है कि अगर किसी के ऊपर आरोप है कि उसने कोई रिश्वत ली या उसने कुछ मनी लॉन्डर किया, सॉरी रिश्वत नहीं, मनी लॉन्डरिंग की, तो वो आरोप आरोपी को ही सिद्ध करना होगा कि गलत है। हमारे देश में कानून है कि प्रोसिक्यूशन आरोप सिद्ध करती है, पर पीएमएलए के इस प्रावधान में आरोपी को ही अपना आरोप या अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। साथ ही उस प्रोविजन में यह भी लिखा है कि बेल के टाइम पर ही जज को सेटिस्फाई करना होगा अपने आप को कि कोई अपराध नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर जज को सेटिस्फाई करना है अपने आप को तो उनको सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। ईडी ने क्या किया, सॉरी भाजपा ने क्या किया, इस केस में 51,000 डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए और 500 विटनेस के नाम दे दिए। अब 500 विटनेस को आप क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ, रिकॉल एग्जाम, वो सब करते करते, लीगल टेक्निकलिटी करते करते 500 विटनेस आप हिसाब लगा लीजिए, 10-15 साल तो यूं ही चले जाएंगे। 51,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट्स हमारे ओवरलोडेड रहते हैं, आराम से 8-10 साल चले जाएंगे। तभी कोर्ट को कहना पड़ा कि ये केस 2 मिनट भी ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा और ट्रायल कोर्ट इसको 6 महीने के अंदर ही डिसाइड करे, नहीं तो इस केस में 10-15 साल लगना आम बात है। क्या हुआ था 2017 में जब ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जहां पर जज को सेटिस्फाई करना होगा खुद को कि कोई केस नहीं बनता और आरोपी को अपना गुनाह
अपने आप को बेगुनाह बेल की स्टेज पे ही साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया। पर 2019 में एक बैकडोर एंट्री के थ्रू भाजपा ने प्रोविजन में सब एक फाइनेंस एक्ट में संशोधन लाकर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव कर दिया। भाजपा ऐसा कर सकती है क्या? ये मामला अलग से 7 बेंच के आगे अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अब हमको उसी प्रोविजन में, हम पे वही प्रोविजन लगाई हुई है जो एक बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की जा चुकी है। अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 10-15 साल नहीं लेंगे ये 500 विटनेस और 51,000 डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने को, आप इसको 6 महीने में डिसाइड करेंगे। और ऐसे ही अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है पीएमएलए में बेल मिलना, और इसीलिए हम पे इतने संगीन प्रोविजन लगाए जाते हैं जब चवन्नी की भी रिकवरी नहीं हो रही। आपको ध्यान होगा कर्नाटक में तो 8-8 करोड़ मिल गए थे, रिकवरी होती है पर वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, यहाँ चवन्नी भी नहीं मिल रही और हम जेल में हैं क्योंकि ऐसी प्रोविजंस लगा दी गई हैं। पर हम भाजपा को ये बता देना चाहते हैं कि हम छोटे लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, भाजपा बहुत ताकतवर पार्टी है। बाकी पार्टियों में आपने देखा होगा कि एक FIR से भी लोग डर जाते हैं, पर हम आम आदमी वाले बिल्कुल भी इससे डरने वाले नहीं हैं। हम देश के लिए हाईएस्ट सैक्रिफाइस देने को तैयार हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी की विजन पर चलते रहेंगे और देश को सबसे नंबर 1, भारत को नंबर 1 देश बनाकर रहेंगे। थैंक यू।